अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विविध स्थानों पर गायत्री परिवार के योगाचार्यों ने योग का प्रशिक्षण दिया। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में विविध स्थानों पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम कर हजारों लोगों को योग के द्वारा निरोग जीवन के सूत्र बताए गए। राजघाट गंगा तट पर गायत्री परिवार की योगाचार्य श्रीमती पुष्पा रानी एवं सेवन डेज फाउंडेशन के योगाचार्य उपेंद्र सिंह ने योग का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी एवं कार्यक्रम संयोजक रमन कुमार श्रीवास्तव ने योग द्वारा सर्वाइकल के सफल निदान का प्रशिक्षण दिया। योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती कोमल गुप्ता सेवन डेज फाउंडेशन की गरिमामयी उपस्थिति रही। राजघाट गंगा तट पर अदाणी फाउंडेशन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को योगाचार्य पुष्पा रानी ने योग प्रशिक्षण के साथ स्वच्छता एवं जल संरक्षण के महत्व को बताया। योग प्रशिक्षण में महेश मौर्य एवं कुमारी नैन्सी गुप्ता ने सक्रिय योगदान दिया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम गायत्री साधकों की विशेष उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश AK शर्मा रहे। संचालन हिमांशु नागपाल CDO वाराणसी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के मुख्य ट्रस्टी पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। इसी कड़ी में विश्व योग दिवस पर सारनाथ वाराणसी में वन विभाग कस्बा ऑर्गेनिक एवं पर्यावरण संरक्षण गायत्री परिवार वाराणसी द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन विनोद पांडे ने किया। कार्यक्रम में अवधेश सिंह, उपेंद्र सिंह, विनोद उपाध्याय, शिवम अग्रहरी, प्रवीण चंद्र, राजू कनौजिया, कमलेश मौर्य, आशुतोष राणा, जनार्दन पांडे, SK सिंह, किशन मौर्य, राजकुमार भारती, साहिल, कमलेश सिंह, कोमल गुप्ता, अजय लक्ष्मी सिंह, मुनमुन ईशिका, बबीता मौर्य, शबनम, अंजुम, चंदा, सोनारिका, सीता रानी, शांति सिंह, लालमणि सिंह, वैदेही देवी, संगीता सिंह, गीता सिंह, विभा सिंह, रानी देवी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित हजारों लोगों ने योग प्रशिक्षण में भाग लिया। विभिन्न जगहों पर योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में 1000 व्यक्तियों ने योग किया। राजघाट पर लगभग 500 व्यक्तियों ने योग किया। जो संस्कृति विश्वविद्यालय से आए हुए बच्चों ने विकास खंड बड़ा गाँव के प्रांगण में लगभग 100 लोगों को योग कराया। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रभारी विनोद पांडे जी के मार्गदर्शन में वन विभाग सारनाथ में योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरह से अखिलेश प्रजापति जी के द्वारा DLW में कार्यक्रम संपन्न किया गया और वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ। परमल जी के नेतृत्व में राजघाट पर लगभग 200 व्यक्तियों ने योग किया।